इमाम हुसैन अलैहि सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, ऐ नवासाए रसूल, मेरे कामों में रुकावटें हैं, कदम कदम पर परेशानी और नाकामी ने मुझे मायूस करके रखा है, शायद नजर, हसद और बंदिश मेरी जिंदगी में शामिल है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सुना है कि जो इंसान शबे बरात की रात पानी पर 40 मर्तबा चारों कुल पढ़ ले और फिर वो पानी पी ले तो अल्लाह के फजलो करम से पूरा साल वो तमाम बंदिशों से अल्लाह की पनाह में रहता है, नजर, हसद, जादू और किसी किस्म की भी नहस असरात उससे हमेशा दूर रहते हैं, क्योंकि उसके वजूद में अल्लाह का नूर समा जाता है। अल्लाह अपने गैबी फरिश्ते अब उसके चारों तरफ मुहाफिज करके भेजता है और यूं वो जहां जहां जाता है फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं और हर नहस ताकत से उसको बचाते रहते हैं।